हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा आप लोगों के लिए बैड न्यूज़ है, जो कि एम्स भोपाल में आपने अगर फॉर्म भर दिया था, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एम्स भोपाल में 32 पोस्ट पर टोटल फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके तहत यह कहा जा रहा है कि ये एम्स भोपाल की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसको फिलहाल के लिए कैंसिल किया जाता है। और क्या कुछ डिटेल में इसमें नोटिफिकेशन है, उसको हम लोग बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। देन इसको एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आपके पास आएगा, देन आप नीचे की ओर सेक्शन में जाएंगे। 10 नवंबर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कैंसिलेशन नोटिस है, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास ये डाउनलोडेड फॉर्मेट में है, तो वहाँ से मैं समझा पाऊँगा आसानी से। थोड़ा सा देखिएगा। और जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, उनका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस भी सबमिट हो गया है, उनके लिए भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये नोटिफिकेशन आपका 10/11/2023 का है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट एडवर्टाइजमेंट नंबर दैट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर और अपलोडेड ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, मतलब कहने का अर्थ है कि वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था, उसके तहत ये क्या किया जा रहा है, कैंसिल कर दिया जा रहा है। कैंसिल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिसके तहत इसको अभी फिलहाल कैंसिल किया गया है। एप्लीकेशन फी ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट शैल बी रिफंडेड। कहने का मतलब है, जो भी बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया था और उसने एप्लीकेशन फीस सबमिट कर दी थी, उन सारे बच्चों को वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द इसमें शायद डी फार्मा वाले बच्चे ही सिर्फ एलिजिबल हो पा रहे थे, जैसा कि कमेंट में भी आ रहा था, तो शायद बी फार्मा वाले बच्चों ने मेल वगैरह किया है था तो बी फार्मा वाले बच्चों के लिए कुछ गुड न्यूज आ सकता है कि इसमें डी फार्मा प्लस बी फार्मा एलिजिबिलिटी मिलाकर ये वैकेंसी फिर से कंटिन्यू की जाए, ठीक है। जो भी मैसेज आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको टाइमली अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि लगातार आपका जो सफदरजंग हॉस्पिटल वाली वैकेंसी थी, उसका भी हॉल टिकट आ चुका है। उसको भी मैं वीडियो में बता दूंगा कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या कुछ है, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ अपडेट्स देता रहूंगा। आप इस चैनल के साथ हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को भी हमारे उदित फार्मेसी के ऐप के साथ कंटिन्यू रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।